लड़ते लड़ते मर जाऊंगा पर मैदान छोड़ के ना जाऊंगा। सब कुछ छोड़ना पड़ जाए पर देश छोड़ के ना जाऊंगा। एक ऐसो राजा जिन्हें सब कुछ त्याग दो, जंगलन में रहो, भूखो प्यासो रहो, घास की रोटी खाए लें, जमीन पे सोए गो, भोग विलास राजसी ठाट बाट सब त्याग दो, पर अपनो देश ना ही छोड़ो, अपनो देश ना ही त्यागो। अब्राहम लिंकन जब एक बार भारत आए रहे थे तो उनकी माता ने कही थी उनसे कि हुआ जा रहे हो तो हुन से हमारे लिए बस एक चीज ले यू, हल्दी घाटी की मिट्टी जहाँ के महाराणा प्रताप हैं। अब हुआ उन्हें पूजनी मानत हैं आजो। उनने अकबर ने उन्हें प्रस्ताव दो तो कि सारे आधे राज्य ले लो हमसे, सारो आधो राज्य हमसे ले लो, पर मेवाड़ त्याग दो। पर ना ही महाराणा प्रताप ने मेवाड़ ना ही छोड़ो और उनकी यहू प्रस्ताव ठुकराए दो। तो ऐसो राजा तो 80,000 की सेना अकबर की और 15,000 की सेना महाराणा की, फिर महाराणा को कबू हराए ना ही पाओ अकबर और खुद हारत रहो। अकबर ने प्रताप को हरान के लिए उनकी सारी राजस्थान की रियासतें तोड़ तोड़ फूट डालो राज करो वालों नीति अपनाई और सब तोड़ के अपने में मिलाई, पर महाराणा को ना ही तोड़ पाए। महाराणा जंगल में चले गए, भीलन संग रहे और भील की सेना बनाई और जा कही कि एक एक भील सैनिक पांच पांच लोगन को मरे। और तो और महाराणा के पास एक घोड़ा तो जिको नाम चेतक हतो, एक ऐसो घोड़ा जिके ऊपर सैकड़ों कहानी लिखी गई हैं, सैकड़ों कविताएं लिखी गई। नीले रंग को घोड़ा, एक बार चेतक को पैर कटिगो, चेतक को पैर कटिगो तहु चेतक ने 28 फीट लंबो नाला कूद गो, फांद लो और अपने राजा को बचाओ और अपनी देह त्याग दे, पर हार नहीं मानी। तो ऐसे जीव जंतु सब उन्हें प्रेम करत हते, जानवर लो उन्हें समझत हते, अपने प्राण त्याग दे पर अपने राजा को ना ही हारन दो। ऐसे ही एक हाथी हतो उनके पास जी को नाम राम प्रसाद हतो, अकबर की नजरें उन पे पहनी हती, काहे से माने उनके सैकड़ों हाथी सैकड़ों सैनिक मारे हते। तो अकबर ने गुट बनाए के सारे अपने सैनिक लगाए के राम प्रसाद को कैद कर लो और जेल में डाल दो और कहीं इको सब कुछ खिलाओ, इको नाम बदल के पीर धत दो और कहीं सब कुछ खिलाओ, पर मजाल राम प्रसाद ने अन्न जल सब त्याग दो और 28 दिन बाद अपनी देह त्याग दी। तब अकबर ने कही कि ऐसो राजा जी के एक हाथी को हम ना ही अपनो बनाए पाए, एक हाथी को हम घुटने ना ही टिकाए पाए, तो वो हमारे सामने का घुटनों टिके। अकबरों मान गए थे, अकबर महाराणा के नाम से डरन लगे थे, रातों में कहा था थे कोई महाराणा को नाम हमारे सामने ना ही लिए, ना ही तो हमें नींद ना ही परे। तो ऐसे हैं भारत के योद्धा, सूरवीर योद्धा।